हेलो फ्रेंड्स तो आज ये नेशनल पार्क की तीसरी लेक्चर है अगर आपने पिछला दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या तो आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है नेशनल पार्क की आप पहले दोनों लेक्चर को देख लें उसके बाद में तीसरे लेक्चर को देखें क्योंकि सारे कंटिन्यूएशन में तो पिछले सेकेंड दूसरा लेक्चर जो था सेकेंड लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने जितने भी नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क था उसके बारे में जाना था तो आज हम लोग जितने भी उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया राजस्थान हो गया गुजरात हो गया इसमें जितने भी नेशनल पार्क हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फ्लोर ऑफ होना है और भी अदर जो जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड न्यूज है रिसेंट न्यूज है वो सारे को हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं हम लोग उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क तो दुधवा नेशनल पार्क को एज ए हाँ सबसे पहले नंबर इसे एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में स्वैम्प डियर को मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि आप जानते होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अगर मैं माइनर डिफरेंस आप देखेंगे तो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है तो यानी पर्टिकुलर स्पेशज को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाता है और इसी एरिया को जो है नोटिफाई किया गया नेशनल पार्क जनवरी 1977 में इसे इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में नोटिफाई कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिला कर के जैसे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है यानी दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी और दुधवा नेशनल पार्क भी आएगी तो ये मिला करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है और जो ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दोनों भी यूपी में है तो ये आपको याद रखना है कि ये दोनों भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है टोटल एरिया अगर आप देखेंगे इस नेशनल पार्क का तो टोटल एरिया है फोर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास तो सबसे पहले हमें इसको मैप में हम लोग देखते हैं तो ये आप देखिए दुधवा नेशनल पार्क है ये बाउंड्री बना रहा है यानी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है ये अपना नेपाल के साथ और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में ये है। लोकेटेड है तो इट ही लोकेटेड ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर इन दी लखीमपुर लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट इट शेयर्स नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री विथ नेपाल विच इज लार्ज एक्सटेंट इज डिफाइंड बाय और इसका देखेंगे आप अगर रिवर देखेंगे तो इसका जो बाउंड्री डिफाइन किया गया है मोहना रिवर और सोहेली रिवर ये आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहना रिवर और सोहेली रिवर जो है दुधवा नेशनल पार्क का बाउंड्री बनाता है और जो घाघरा रिवर का जो भी ट्रिब्यूटरी है इस नेशनल पार्क से फ्लो होती है यानी ये हो गया कि घाघरा रिवर के बेसिन में ये लोकेटेड है अब देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फोना कौन कौन सा यहाँ पे है तो इम्पोर्टेंट फोना हो गया यहाँ पे टाइगर्स हो गया लेपर्ड्स हो गया बियर हो गया स्वैम्प डियर हो गया राइनोसेरस हो गया एलिफेंट हो गया चीतल हो गया स्वैम्प ये राइनोसेरस तो आप देखे ही हैं और स्वैम्प डियर तो आप जानते ही हैं कि स्वैम्प डियर के लिए इसको मेनली प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया ही गया था यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर ही किया गया था तो स्वैम्प डियर तो यहाँ पाया ही जाएगा तो स्वैम्प डियर भी है राइनोसेरस भी है एलिफेंट भी है चीतल भी है तो ये सब आपको एक बार रीड कर लेना है पूरा रटने की कोशिश नहीं करना है एक बार रीड करना है ताकि एक आइडिया हो जाए कि कौन सा कहाँ पे कौन सी एनिमल मिलती है। अब फ्लोरा में देखेंगे तो ये पार्क में जो है जो बेस्ट सम ऑफ़ द बेस्ट फॉरेस्ट ऑफ साल ट्री यहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड का साल विथ जैसे शीशम हो गया जामुन हो गया सीहोर हो गया गुलर ट्री ये सब भी यहाँ पाए जाते हैं तो ये था आपका दुधवा नेशनल पार्क के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इनिशियली एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिक्लेयर किया गया था स्वयं डियर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1958 में बाद में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया बाद में इसे फिर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके इसे दुधवा टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया टोटल एरिया जो है नेशनल पार्क का फोर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और ये अपना बाउंड्री जो शेयर करता है नेपाल के साथ शेयर करता है नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री और इसका जो बाउंड्री डिफाइंड है मोहना रिवर और सुहेली रिवर से इसका बाउंड्री बनाती है ये रिवर और घाघरा रिवर जो है घाघर रिवर उसका ट्रिब्यूटरी जो है इसके थ्रू फ्लो करती है यानी उसके बेसिन में लोकेटेड है घाघरा रिवर का बाकी ये हम लोग फ्लोर ऑफोना तो देख ही लिए थे तो अब चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के नेशनल पार्क के बारे में तो बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जैसे कि अभी हम लोग देखे थे ऊपर में कि दुधवा नेशनल पार्क जो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है उसी तरह से वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है एक ही नेशनल पार्क है जो कि बिहार में है और ये टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है अब इसका मैप में आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वहाँ पर लोकेटेड है ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है किसके साथ नेपाल के साथ ही अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है इट इज़ लोकेटेड एट द इंडिया नेपाल बॉर्डर इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट दिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द शिवालिक हिमालय में और गंगा बेसिन में ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर और मसान रिवर ये याद रखना है आपको कि गंडक रिवर और मसान रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ये तो हम लोग देख लेते कि इट इज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार एक ही नेशनल पार्क है बिहार में जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है इन दी नॉर्थ द प्रोटेक्टेड एरिया बॉर्डर बाय नेपाल चितवन नेशनल पार्क यानी इसके नॉर्थ में आप देखिएगा तो यहाँ पे नेपाल का जो है चितवन नेशनल पार्क है नेपाल का रॉयल चितवन नेशनल पार्क जो है वो इसके साथ बाउंड्री बनाता है एरिया इसका टोटल देखेंगे तो 900 स्क्वायर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे फोना अगर देखेंगे तो बंगाल टाइगर हो गया इंडियन डाइनोसैरस हो गया एशिएटिक ब्लैक बियर हो गया इंडियन स्लोथ बियर हो गया ओटर हो गया इंडियन लेपर्ड हो गया वाइल्ड डॉग हो गया वाइल्ड वाटर बफेलो हो गया वाइल्ड बोर्ड हो गया ये सब यहाँ पे फोन पाया जाता है तो ये हो गया आपका बिहार के नेशनल पार्क के बारे में अब झारखंड के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं तो झारखंड में भी एक ही नेशनल पार्क है वो है बेतला नेशनल पार्क तो ये जो लोकेटेड है छोटा नागपुर प्ले में लोकेटेड है जो कि ले लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वहाँ पे लोकेटेड है यानी दो डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है लातेहार और पलामू डिस्ट्रिक्ट में आ ये भी याद रखना है आपको कि छोटा नागपुर प्लेटू में लोकेटेड है अब इसमें जो होता है बेतला नेशनल पार्क में इसमें पलामू टाइगर रिजर्व भी आता है और महुआदर वॉल्फ सेंचुरी भी आता है अब सेंचुरी है सेंचुरी मीन्स केवल कोई एक पर्टिकुलर स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा तो ये जो है महुआदर वॉल्फ सेंचुरी यानी वॉल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली है अब नॉर्थ कोयल रिवर जो है और इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो इसका नॉर्थन नार्दर्न पार्ट जो है पार्क का उसके थ्रू फ्लो करती है यानी नार्दर्न बाउंड्री इसका बनाती है तो नॉर्थ कोयल रिवर ये आपको याद रखना है कि बेतला नेशनल पार्क का नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है अब फ्लोरा यहाँ पर देखेंगे तो साल हो गया बम्बू हो गया यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेजर कंपोनेंट है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट और भी अदर मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर मिलता है फिर फोना में अगर देखेंगे तेलीफेंट हो गया स्लोथ बियर हो गया पेंथर हो गया ओल्फ हो गया जेकाल हो गया हाइना हो गया चीतल हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क है और इसके नॉर्थ में नॉर्थ कोयल रिवर है तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क बिहार के नेशनल पार्क और झारखंड के नेशनल पार्क के बारे में ना हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले नंबर जो वेस्ट बंगाल में पहला नेशनल पार्क है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा तो ये एक नेशनल पार्क भी है टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि वेस्ट बंगाल में है ये जो है सुंदरवन जो है गंगा डेल्टा का पार्ट जो है यानी सुंदरवन क्या है सुंदरी ट्री है वहाँ पे एक जो गंगा डेल्टा का फॉर्मेशन होता है डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है वहां पे एक सुंदरी ट्री है उसी के नाम पे इसे नाम दिया गया है सुंदरवन तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सुंदरवन ऑन दी गंगेज डेल्टा एंड एडजेसेंट टू द सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट इन बांग्लादेश ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट साइट भी डिक्लेयर किया गया है 1987 में और इसे रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया है 2019 में तो ये भी याद रखना आपको कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि 1987 में डिक्लेयर किया गया है एक नेशनल पार्क भी है टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक रामसर साइट भी है और ये जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व उसमें जो आता है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर भी इसे डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नाइनटीन में तो चलिए सबसे सब पहले हम लोग थोड़ा सुंदरवन डेल्टा के बारे में जान लेते हैं तो सुंदरवन डेल्टा आप जानते हैं कि तीन रिवर मिलकर के ये सुंदरवन डेल्टा बनाता है पहला है गंगा रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर और मेघना रिवर है। इसके सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो भी डेल्टा बनता है उसी को बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा तो ये टोटल एरिया आप देखेंगे सुंदरवन डेल्टा का ये आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ये है सुंदरवन डेल्टा टोटल इसका टोटल एरिया जो है टेन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर है टेन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर है जिसमें सिक्सटी परसेंट पार्ट जो है सिक्सटी परसेंट पार्ट जो है बांग्लादेश में और फोर्टी परसेंट पार्ट जो है वो इंडिया में है इंडिया में यानी फोर्टी थाउजेंड एरिया जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंडिया के पास है और सिक्सटी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो बांग्लादेश के पास है यानी बांग्लादेश में आती है और ये जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वो फोर्टी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर वाली जो एरिया है उसी में आती है ये तो आप ये देख सकते हैं ये वाली इंडिया वाली है और ये आपका बांग्लादेश वाली है तो ये देखिए यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क है तो सुंदरवन नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो है तेरह स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है यानी फोर्टी थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर जो सुंदरवन डेल्टा है इंडिया का उसमें से थर्टीन हंड्रेड थर्टी स्क्वायर किलोमीटर को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया अब यहाँ पे फ्लोरा देखिएगा क्या क्या पाया जाता है तो अभी बोले थे कि जो नेमिंग किया गया है इसका सुंदरवन दिया गया नाम जो दिया गया वो सुंदरी ट्री के नाम पर दिया गया जो कि एक मैंग्रोव ट्री है तो ये सुंदरी ट्री हो गया गोलपत्ती हो गया चंपा हो गया धुंधल हो गया फिर गेनवा हो गया हत्तल हो गया ये यहाँ पे फ्लोरा पाया जाता है अब फोना में अगर देखेंगे यानी एनिमल्स जो पाया जाता है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर हो गया फिशिंग कैट्स हो गया मकाक्स हो गया लेपर्ड कैट्स हो गया इंडियन ग्रे मंगुज हो गया वाइल्ड बोर हो गया फ्लाइंग फॉक्स पेंगोलिन इंडियन ग्रे मंगुज चीतल डियर रिसस मंकी ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं तो ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है रॉयल बंगाल टाइगर हो गया ये सब थोड़ा आपको याद रखना है कि लेपर्ड कैट हो गया ये सब जो 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 इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ उसको केवल याद रखना है बाकी को रीड करके एक बार रखना है ताकि एक आइडिया रहे कि एलिमिनेट कर सकें आप ऑप्शन को देख करके ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व माना जाता है बंगाल टाइगर के लिए यहाँ पे लगभग 400 टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया अब दूसरा जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में वो है गोरुमार नेशनल पार्क गोरुमार नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है जलपाईगुरु जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है अगर इसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ये अगर जो मूर्ति रिवर है और राइडक रिवर उसके है उसके फ्लड प्लेन पे लोकेटेड है मूर्ति रिवर और राइडक रिवर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको आपको याद रखना जो है जो मेजर रिवर है जो पार्ट पार्क का माना जाता है वो है जल ढाका रिवर जल ढाका रिवर तो ये याद रखना है आपको जल ढाका रिवर और ये एक ट्रिब्यूटरी है किसका ब्रह्मपुत्रा का तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल ढाका रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का ट्रिब्यूटरी है जो कि मेजर रिवर है इस पार्क का यानी इसके थ्रू फ्लो करती है और मूर्ति रिवर और राइडक रिवर इसके फ्लड प्लेन पर लोकेटेड है अब फोना के बारे में इसका जानते हैं तो फोना मेनली ये फेमस है किसके लिए तो इंडियन राइनोसेरस के लिए, लिए फेमस है और भी अदर एनिमल स्पेसीज यहाँ पे पाया जाता है जैसे हो गया गौर हो गया एशियन एलिफेंट हो गया स्लॉथ बियर हो गया चीतल हो गया संबल डियर हो गया ये सब भी यहाँ पर पाया जाता है अब इस पार्क में जो है कोई भी बंगाल टाइगर हो गया इंडियन वाइल्ड डॉग हो गया इंडियन वुल्फ्स हो गया ये सब यहाँ पे नहीं पाया जाता है ये आपको याद रखना है कि गोरुमारा नेशनल पार्क में जो है बंगाल टाइगर नहीं पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे टाइगर आपको कभी कभार देखने को मिलेगा लेकिन बंगाल टाइगर यहाँ पर रेसिडेंटली यानी यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में पाया नहीं जाता है कभी कभार यहाँ पे दूसरे एरिया से यहाँ पे आ जाता है लेकिन ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाया जाता है यहाँ पे बंगाल टाइगर और इंडियन वाइल्ड डॉग या इंडियन वॉल्फ यहाँ पर नहीं पाया जाता है नेचुरल हैबिटेट में अब यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो लार्ज कार्निवोर्स का कमी है यहाँ पर लैक है यानी कम नंबर में है लार्ज कार्नीवर्स लार्ज कार्नीवर्स कम नंबर में होने के कारण से क्या होता है कि जो लार्ज हर्बी बोर्स है उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कंपटीशन आपस में इंक्रीज हो जाएगा जिसके कारण से आपस में ही वो लोग क्या होगा एक दूसरे को किल कर देंगे और वही यहाँ पर होता है कि यहाँ पर देखा गया है कि कुछ राइनोसरस का पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है क्यों क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे को किल कर देते हैं कंपटिशन बढ़ने से लेकिन यहाँ पे स्मॉल कार्निवर्स जो है बहुत ज़्यादा नंबर में है जैसे हो गया सीवर्ट्स हो गया मंगूज हो गया स्मॉल कैट्स ये सब बहुत ज़्यादा नंबर में है लेकिन लार्ज कार्निवर्स की यहाँ पे कमी है द मेजर कंजर्वेशन फोकस जो है मेन फोकस जो है पार्क का वो मेन है कि टू मेंटेन ए वाइबल ब्रीडिंग कम्युनिटी ऑफ इंडियन डायनासोरस यानी इंडियन डायनासोरस के पॉपुलेशन को मैंटेन करके रखना उसका ब्रीडिंग पॉपुलेशन को मेनटेन करके रखना वो इसका मेन फोकस है क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पे लार्ज कर्नीवर्स की कमी होती है यानी नहीं है लार्ज कर्निवर्स उतना ज़्यादा नंबर में जिसके कारण से क्या होगा कि हर लार्ज हर्विवर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा जिसके कारण से इंडियन डाइनासोरस का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है उसके कारण से ये आपस में ही लड़ करके मर जाते हैं उसी का मेनली इसका पॉपुलेशन को मेनटेन करना यही इसका मेन फोकस है गुरु नेशनल पार्क का और यहाँ पर कुछ एवियन फ़ोन अभी पाया जाता है एवीन फोनों यानी बर्ड्स स्पेसिज भी पाया जाता है जैसे स्कारलेट मिनी वर्ट हो गया सनबर्ड हो गया एशियन पैराडाइज हो गया प्लाकेचर्स स्पेन ग्लैड ड्रोंगो हो गया इंडियन हॉर्न ये सब यहाँ पे पाया जाता है अब फ्लोरा स्पेसीज में क्या क्या पाया जाता है अब यहाँ पे साल फॉरेस्ट जो है मेनली कॉमन है जैसे उसमें हो गया आपका टीक हो गया रेन ट्री हो गया बॉम्बैक्स हो गया जिसको सिल्क कॉटन ट्री के नाम से भी जाना जाता है इसको सीम्स के भी नाम से जाना जाता है फिर बम्बू ग्रुप्स भी पाया जाता है ट्राई ग्रास लैंड वेजिटेशन और ट्रॉपिकल रिवराइन रिट्स भी यहाँ पे पाया जाता है ये यह सब यहाँ पे फ्लोरा स्पेसिज पाया जाता है अब यहाँ पे आप एक बार मैप देख लीजिए गुरुमारा नेशनल पार्क इस साइड में है और जलदापरा नेशनल पार्क इस साइड ईस्ट साइड में है वेस्ट साइड में गुरुमारा नेशनल पार्क में है अब हम लोग पढ़ते हैं जलदापरा नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है जो कि सिचुएटेड है एट दी फुटहिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय के फुटहिल में लोकेटेड है जो कि अलीपुर दुआर डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का वहाँ पे लोकेटेड है और ये लोकेटेड है किस पे तो टोरसा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है ये तो टोरसा रिवर तो ये आपको याद रखना है कि टोरसा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और अलायपुर दुआर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और यहाँ पे ये माना जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन है यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है रैनो पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा रैनो पॉपुलेशन कहाँ पे है इंडिया में तो काजीरंगा में है जहाँ पे 2400 ज़्यादा से भी ज़्यादा रैनो पॉपुलेशन है एरिया जो है जलदापुर का नेशनल पार्क का वो है लगभग 216 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है अब फोन है यहाँ पर देखेंगे तो इंडियन लेपर्ड हो गया इंडियन एलिफेंट हो गया सांबर हो गया बार्किंग डियर हो गया स्पॉटेड डियर हो गया हॉक डियर हो गया वाइल्ड बोर्ड हो गया और गौर हो गया ये सब यहाँ पे फोना पैसेज पाए जाते हैं और बाकी हम लोगों ने मैप में देख ही लिया था कि ये जलदापुरा नेशनल पार्क है जो कि अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और तोरसा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है अब तीसरा जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का वो है नेवरा वैली नेशनल पार्क जो कि एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट भी है जो कि लोकेटेड है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का वहाँ पे लोकेटेड है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था यानी डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क 1986 में इसका टोटल एरिया जो है 88 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वो होती है नेवरा रिवर उसी के नाम पर इसका नेमिंग भी किया गया है नेवरा वैली और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा स्पेसिज है वो है रोडोडेंड्रोन बम्बू ओक फॉर्न साल ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं फोना स्पेसेज में आप देखेंगे तो है इंडियन लेपर्ड एशियाटिक ब्लैक बियर स्लोथ बियर एशियन गोल्डन कैट वाइल्ड बोर्ड लेपर्ड कैट गोरल सिरो बार्किंग डियर सांबर डियर फ्लाइंग स्क्वरल ताहर रेड पांडा क्लाउडेड लेपर्ड ये सब यहाँ पे फोना स्पेसेज पाया जाता है तो ये हो गया नेवरा वैली नेशनल पार्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अब है और सके, अब नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में वो है सिंगल लीला नेशनल पार्क सिंग लीला नेशनल पार्क ये जो है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है यहाँ पे आप देख सकते हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये मैप में देख सकते हैं आप वेस्ट बंगाल का अब ये जो लोकेटेड है ये सिंगल लीला रीज पर लोकेटेड है उसी के बेसिस पे इसका नेमिंग भी किया गया है सिंगल लीला रीज पर लोकेटेड है जो कि अल्टीट्यूड पे कितना अल्टीट्यूड पे है वो है सेवन थाउजेंड मीटर के अल्टीट्यूड पे लोकेटेड है पार्क ये पार्क को जो है सबसे पहले नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1986 में उसके बाद में इसे 1992 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया इसका अगर बाउंड्री अगर, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ में ये जो है सिक्किम से ये बाउंड्री बना रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्किम के साथ बाउंड्री बना रहा है नॉर्थ में और जो इसका वेस्ट में जो है ये बाउंड्री बना रहा है नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहा है ये नेपाल नेपाल के साथ बाउंड्री बना रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा ये पार्क जो है पार्ट है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट रिवर जो फ्लो करती है पार्क से वो है रिवर रामम रिवर और श्री खोला रिवर जो कि इस पार्क के थ्रू फ्लो करती है अब फ्लोरा स्पेसी देखेंगे तो हो गया थीक बंबू फॉरेस्ट हो गया फिर ओक हो गया मैग्नोलिया हो गया रोडेंड्रोन हो गया फिर फोना स्पेसी में आप देखेंगे तो हो गया रेड पांडा लेपर्ड कैट बार्किंग डियर येलो थ्रोटेड मार्टिन फिर हो गया वाइल्ड बोर्ड पेंगोलिन एंड पिक्का ये सब यहाँ पे फोना स्पेसिज पाया जाता है और जो लास्ट नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल का वो है बक्सा नेशनल पार्क ये आपको ध्यान में रखना है कि बक्सा नेशनल पार्क ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि क्रिएट किया गया था टाइगर रिजर्व इसे नाइनटीन में जो कि फिफ्टीनथ टाइगर रिजर्व था इंडिया का और नाइनटीन में इसे बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था तो शुरुआत में जो बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था वो केवल 314 स्क्वायर किलोमीटर के ही एरिया को डिक्लेयर किया गया था लेकिन बाद में जो है 1991 में इसका एरिया को फिर से बढ़ा दिया गया यानी 55 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया को और ऐड कर दिया गया इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में और स्टेट गवर्नमेंट फाइनली जो है नाइन्टीन में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया यहाँ पर जो है मॉइस्ट डेसीडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों पाए जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2018 का जो टाइगर सेंसस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टाइगर का पॉपुलेशन यहाँ पे जीरो है जीरो टाइगर यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू 2018 टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बक्सा टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर का पॉपुलेशन जीरो है टू टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग और जो फोना स्पेसीज यहाँ पर पाया जाता है वो है क्लाउडेड लेपर जंगल कैट्स फिशिंग कैट्स एलिफेंट्स गोड्स चीतल सांबर्स बार्किंग डियर्स एंड हॉक डियर ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं आप यहाँ पे आप मैप में एक बार देख सकते हैं ये बक्सा नेशनल पार्क है तो इस तरीके से हम लोगों ने जितना भी नेशनल पार्क था वेस्ट बंगाल में उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग जो है राजस्थान के जितने भी नेशनल पार्क है उसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला नंबर नेशनल पार्क है पहला नेशनल पार्क है वो है डिजर्ट नेशनल पार्क जिसका कि टोटल एरिया है थ्री वन सिक्स टू स्क्वायर किलोमीटर यानी इकतीस सौ बासठ स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है जिसमें से उन्नीस सौ स्क्वायर किलोमीटर जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है और बाकी का रिमेनिंग जो है बारह सौ बासठ स्क्वायर किलोमीटर वो है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान यानी ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये क्वेश्चन इस बार फिल्म टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया था कि कितने डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है तो ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो हो गया और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और 1900 स्क्वायर किलोमीटर जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बारह स्क्वायर किलोमीटर आता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का यानी फर्स्ट लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा हो गया इंडिया का वो है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसका और यहाँ पे 3162 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास एरिया है इसका है यानी ये सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का अगर पार्क का करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो ट्वेंटी परसेंट जो है पार्क का वो मेनली सेंड्यून से भरा हुआ है सेंड्यून से मेनली वो अब फोना स्पेसीज के बारे में देखेंगे तो फोना में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमल्स कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं तो मेमल्स में हो गया आपका डेजर्ट फॉक्स हो गया बंगाल फॉक्स हो गया डेजर्ट कैट हो गया उल्फ़ हो गया हेड गियोग गेहोग हो गया चिंकारा हो गया ये सब मेमल्स स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं फिर रेप्टाइल्स में आप अगर देखेंगे तो स्पाइनी टेल ले हो गया मोनिटर लेजार्ड हो गया सो स्किल्ड वाइपर हो गया फिर हो गया रसिल्स बाइपर हो गया कॉमन करैत ये सब यहाँ पे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं फिर एवियाफोना एविफोना में देखेंगे यानी बर्ड स्पेसीज में देखेंगे एविफोना मीन्स बर्ड्स स्पेसीज बर्ड्स स्पेसीज में देखेंगे तो हो गया सैंड ग्रोज इंडियन बस्टर्ड फिर हो गया पार्ट्रीज फिर हो गया बी ईटर्स लार्क्स हो गया एंड स्रिक्स और ईयर राउंड रेसिडेंट यानी ये, ये हमेशा यहाँ पे आपको मिले जाएंगे यानी नेचुरल हैबिटेट में ये पाए जाएंगे जबकि कुछ जो होते हैं यानी माइग्रेटरी स्पेसीज होते हैं यानी जो कि कोई एक सीजन में आएंगे ब्रीडिंग के लिए के बाद माइग्रेटरी स्पेसीज होते हैं जैसे कि हो गया डेमो सिलेक्रेन और हो बारा बस्टर्ड ये जो है विंटर सीजन में यहाँ पे आते हैं तो ये रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है यानी नेचुरल हैबिटेट में नहीं मिलेंगे यहाँ पे ये माइग्रेटरी स्पेसीज है माइग्रेटरी बर्ड स्पेसीज हैं तो कुछ अबेंडेंस जो है बर्ड लाइफ का उसके बारे में जानेंगे कि जो रीजन है ये अभी हम लोग देखे थे कि हेवन माना जाता है किसका माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड का कि यहाँ पे दोनों तरह के बर्ड पाए जाते हैं रेसिडेंट बर्ड भी है और माइग्रेटरी बर्ड भी है मिनी एगल्स हो गया फिर हो गया हैरियर्स हो गया फाल्कन्स हो गया वल्चर्स यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे एगल्स एस्पेसिज हो गया अब हैरियर्स हो गया फाल्कन्स हो गया वल्चर्स ये सभी पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पर फेयर नंबर में पाए जाते हैं पर्याप्त तो मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं अब इसको हम लोग एक बार यानी मैप में देख लेते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क को तो ये देखिए आप डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का उसमें लोकेटेड है यानी दो डिस्ट्रिक्ट में यह फैला हुआ है तो ये आपको याद रखना है अब नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान का वो है केवला देव नेशनल पार्क या इसी को बोलते हैं केवला देव गहाना नेशनल पार्क जिसका एरिया है लगभग 29 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये मेनली गंभीर, गंभीर और बन गंगा रिवर उसके कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है इट लाइज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंभीर एंड बनगंगा रिवर इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ये आपको याद रखना कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है इसे जो है पहले जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और केवला घाना नेशनल पार्क एक मैन मेड और मैन मैनेज वेटलैंड भी है और एक रामसार साइट भी है ये और हाँ ये जो वेटलैंड है ये पार्ट है इंडो गेंगेटिक ग्रेट प्लेन का पार्ट है द पार्क इज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल और ये जो है विंटरिंग ग्राउंड है किसके लिए साइबेरियन क्रेन जो बर्ड है वो इन विंटर सीजन सीजन में यहाँ पे आती है और बहुत सारे यहाँ पे जो है रेसिडेंट नेस्टिंग बर्ड भी यहाँ पे पाए जाते हैं अगर यहाँ पे फ्लोरा स्पेसी देखेंगे तो प्रिंसिपल वेजिटेशन इसका जो टाइप देखेंगे वो है मेनली यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट और वो मिक्स है किसके साथ ड्राई ग्रासलैंड के साथ यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो गया और ग्रेटर पार्ट जो है एरिया का यानी नेशनल पार्क का जो ग्रेटर एरिया है मोस्ट ऑफ दी पार्ट जो है वो श्रब्स या मीडियम साइज ट्री से कवर्ड है अब जो यहाँ पे ट्री मेनली आप देखोगे या मीडियम साइज का जो ट्री यहाँ पे मेनली पाया जाता है श्रब्स पाया जाता है वो है मेनली क्लम या कदम भी बोलते हैं इसको जामुन हो गया बबूल हो गया ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं और फोना स्पेसीज में अगर देखेंगे तो मेमल्स स्पेसीज में अगर देखेंगे तो जिसमें मेनली अगर प्राइमेट्स की बात करें तो हरीसस मैक हनुमान लंगू ये प्राइमेट्स यहाँ पर पाए जाते हैं और अदर जो मेमल्स स्पेसीज हो गया जैसे नीलगाय हो गया फिरल केटल हो गया चीतल डियर हो गया सांबर हो गया ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं बाकी बर्ड्स स्पेशीज की कर बात करें तो ये हो गया हेरॉन्स अस्टोक्स कॉर्मोरेंट्स मैग्नेट डक्स ये सब यहाँ पे बर्ड्स स्पेसी पाए जाते हैं तो एक बार अब इसे मैप पे देख लेते हैं केवलादेव नेशनल पार्क को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भरतपुर नेशनल पार्क जो है इसी को बोलते हैं केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था मैंने उसी को केवलादेव घाना नेशनल पार्क बोला गया अब जो नेक्स्ट नेशनल पार्क है राजस्थान का वो है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क इसे जो एस्टेब्लिश किया गया था इस नेशनल पार्क को जो नोटिफाई किया गया था 2004 में नोटिफाई किया गया था इसके अंदर तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है जो है दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल चंबल सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आता है ये जो लोकेटेड है ये लोकेटेड है कथियावाड़ गिर ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट के अंदर लोकेटेड है यहाँ से चार रिवर फ्लो करती है इस रीजन से यानी इस पार्क से वो है चंबल रिवर काली रिवर अहू रिवर रमजान रिवर ये आपको याद रखना है कि चंबल रिवर काली रिवर अहू रिवर रमजान रिवर इस पार्क के थ्रू फ्लो करती है यानी चार रिवर यहाँ से फ्लो करती है ये जो है दो में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था और ये जो है तीसरा टाइगर रिज़र्व हो गया राजस्थान का इसका टोटल एरिया जो है नेशनल पार्क का वो है लगभग सेवन सिक्सटी स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फोना स्पेसिज है वो है बंगाल टाइगर द इंडियन वुल्फ द इंडियन लेपर्ड ये सब मेजर कार्निवर्स पाए जाते हैं यहाँ पे इस नेशनल पार्क में और जो प्रे स्पेसिज में है वो हो गया यहाँ पे चीतल सांबर डियर वाइल्ड बोर्ड नीलगाय ये प्रे स्पेसिस में आ गया और स्लोथ पियर हो गया चिंकारा हो गया ये सब भी यहाँ पे पाए जाते हैं और रेप्टाइल्स में अगर आप देखेंगे तो मगर क्रोकोडाइल हो गया घड़ियाल हो गया ये यहाँ पर पाए जाते हैं अब नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान का वो है रेंथम नेशनल पार्क जो कि सवई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का वहाँ पे लोकेटेड है आई ये लोकेटेड है ऐट दी जंक्सन ऑफ अरावली एंड बिंधिया हिल रेंज उसके जंक्शन पे लोकेटेड है अरावली और विंध्या रेंज के जंक्शन पे लोकेटेड है और इसका टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो थ्री स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका टोटल एरिया है इसका अगर नॉर्थ का बाउंड्री देखेंगे तो बानस रिवर फ्लो करती है इसका नॉर्थ बाउंड्री बनाती है और इसका जो साउथ बाउंड्री जो है वो चंबल रिवर बनाती है इसका नेमिंग जो किया गया है जो हिस्टोरिक रैंथम फोर्ट है जो कि पार्क के इनसाइड ही लाई करती है उसके नेम पे इसका नेमिंग किया गया है इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1980 में ये एक टाइगर रिजर्व भी है और इस पार्क के जो एडजेसेंट फॉरेस्ट वाली एरिया है उसको 1985 में एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था वो है द मान मानसिंह सेंचुरी और केला देवी सेंचुरी और ये जो सेंचुरी है इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया इन 1991 द टाइगर रिजर्व वा एक्सपांडेड टू इंक्लूड सवाई मान सिंह और केला देवी सेंचुरी यानी टाइगर रिजर्व को एक्सपांड करके इसे भी इंक्लूड कर दिया गया है यानी सवाई मान सिंह जो सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और केला देवी सेंचुरी इसे भी टाइगर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर दिया गया और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोना स्पेसिस है उसके बारे में देखते हैं कि रेंथम बोर्ड जो होता है मेनली ये जाना जाता है बंगाल टाइगर के लिए और ये बेस्ट प्लेस माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू सी दीज एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट यानी बंगाल टाइगर को यहाँ पे आप नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं तो इस तरह का स्टेटमेंट भी बन करके आता है कि किस बंगाल टाइगर को कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में देखा जा सकता है तो वो है रेंथम नेशनल पार्क में और भी अदर फोना स्पेसिस हो गया जैसे इंडियन लेपर्ड हो गया नीलगाय हो गया वाइल्ड बोर्ड हो गया सांबर हो गया स्ट्राइप्ड हाइना हो गया स्लोथ बियर हो गया ग्रे लंगूर हो गया रिसस मकाक हो गया मगर क्रोकोडाइल हो गया चीतल ये सब सारे फोना स्पेसीज यहाँ पर पाए जाते हैं अब फ्लोरा स्पेसीज का बात करें तो रेंथम बॉर्ड नेशनल पार्क जो है मेनली ड्राई डिसडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे और ओपन ग्रासी मेडो है यहाँ पे और ये जो नेशनल पार्क फेमस है वो लार्जेस्ट बनियन ट्री के लिए फेमस है इंडिया में इंडिया में लार्जेस्ट बनियन ट्री इन इंडिया द नेशनल पार्क इज ऑल्सो फेमस फॉर द लार्जेस्ट बनियान ट्री इन इंडिया उसके लिए फेमस है अब इसे हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं रैंथम नेशनल पार्क है और यहाँ पर राजस्थान का जो मुकुंदरा रिजर्व है मुकुंदरा रिजर्व यहाँ पे पहला टाइगर जो है लाया गया था रैनथम से ही रिलोकेट किया गया था अप्रैल 2018 में अप्रैल 2018, 2018 में ये जो राजस्थान का मुकुंदरा रिजर्व है वहाँ पे टाइगर को रिलोकेट किया गया था रैनथम से ही टाइगर को ले जा करके वहाँ पे शिफ्ट किया गया था रिलोकेट किया गया था तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क जो हम लोग पढ़े थे जो कि कोटा के आसपास है वहाँ पे टाइगर रिसीव्ड ए टाइगर फ्रॉम द रथम नेशनल पार्क इसके साथ ही जो राजस्थान में जो है ये हैज टाइगर इन ऑल दी थ्री ऑफ इट्स टाइगर रिजर्व यानी जितने भी टाइगर रिजर्व हैं ये तीनों के तीनों टाइगर रिजर्व में सभी जगह टाइगर आपको मिलेंगे दिस इज द थर्ड टाइम है रिलोकेशन ऑफ टाइगर हैज़ टेकन प्लेस इन ए टाइगर रिजर्व यानी ये तीसरी टाइम है जब टाइगर रिजर्व में रिलोकेशन किया गया है टाइगर का तो प्रीवियस टू रिलोकेशन जो किया गया था वो पहला किया गया था सरिस्का में 2004 में जो कि जो कि रेंथम बोर्ड से ही सरिस्का लाया गया था टाइगर को और दूसरा जो किया गया था पन्ना में किया गया था जो कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क से यहाँ पे टाइगर को रिलोकेट किया गया था टू में अब जो रिलोकेशन करता है वो कैसे रिलोकेशन करता है किसके पास पावर होती है कौन टाइगर को रिलोकेट कर सकता है तो जितने भी शेड्यूल वन में जो एनिमल लाई करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन एलेवन ए जो है और उसके ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन एलेवन ए ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेवन नाइनटीन के अकॉर्डिंग ये पावर दिया गया है कि जो भी शेड्यूल वन में एनिमल लाए करेगा उसका रिलोकेशन का यानी ट्रांसलोकेशन का जो पावर होगा वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा स्टेट का उसके पास लाया करता है यानी वही उसे ट्रांसलोकेट कर सकता है उसी के पास उसका पावर है अगर आप जनवरी 2021 तक आप देखेंगे तो टोटल एस्टिमेट जो किया गया है रैथम टाइगर रिजर्व में यानी रैथम नेशनल पार्क में तो यहाँ पर टाइगर का टोटल पॉपुलेशन है सेवेंटी इंक्लूडिंग न्यू कब्स न्यू कब्स को मिला करके टोटल सेवेंटी है अब नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है राजस्थान का वो है सरिस्का नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क ये अलवार डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का वहाँ पे लोकेटेड है इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1978 में ऐसे इसका जो एरिया है टोटल 881 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और ये जो पार्ट है अरावली रेंज और कथियार गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इको रीजन जो है उसका ये पार्ट है ये जो है यहाँ पर रिच मिनरल रिसोर्स भी पाया जाता है जैसे कि कॉपर हो गया यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेस ये सब पाए जाते हैं यहाँ पर ये पहला रिजर्व है वर्ल्ड का जहाँ पे कि टाइगर को सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था और फ्लोरा स्पेसी यहाँ पे देखेंगे तो दो, डोमिनेंट ट्री जो यहाँ पे है फॉरेस्ट में वो है ढोक और भी अदर ट्री स्पेसीज यहाँ पे जैसे हो गया सलार हो गया कदाया हो गया गोल हो गया बेर हो गया खेर हो गया ये सब सबका फ्लोरा स्पेसीज हो गया अब फोना स्पेसीज में अगर देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम बंगाल टाइगर यानी बंगाल टाइगर के अलावा जो रिजर्व में जो है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ स्पेशज है यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे इंडियन लेपर्ड हो गया जंगल कैट हो गया क्रैकल हो गया स्ट्राइपड हाइना हो गया गोल्डन जैकल हो गया चीतल हो गया संभर डियर हो गया नीलगाय हो गया वाइल्ड बोर्ड हो गया स्मॉल इंडियन सीवेट जवन मंगूज रूडी मंगूज हनी बेजर रिसस मकाक नॉर्दर्न प्लैनस ग्रे लंगूर एंड इंडियन हेयर ये सब यहाँ पे फोन स्पेसिज पाए जाते हैं तो केवल एक बार रीड कर लेना इसे तो अब चलिए हम लोग इसे एक बार मैप में देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरस का सरिसका नेशनल पार्क है जो कि अलवार डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तो इस तरह से जितने भी नेशनल पार्क थे राजस्थान का उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग गुजरात के सारे नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जानेंगे तो गिर पहला जो नेशनल पार्क है यहाँ पे गुजरात में वो है गिर नेशनल पार्क या एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यानी गिर नेशनल पार्क गीर नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो गिर गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो लोकेटेड है ये जो गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पर ये लोकेटेड है इसका टोटल एरिया अगर आप देखेंगे तो फोर्टीन ट्वेल्व स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है ये एशिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क है यानी पहला एरिया है जहाँ पे आपको एशिएटिक लाइन देखने को मिलेगा बाकी कहीं भी एशिएटिक लाइन देखने को नहीं मिलेगा तो गिर नेशनल पार्क में ही एशिया में ये पहला एरिया है जहाँ पर आपको एशियटिक लाइन देखने को मिलेगा इट इज़ द ओनली एरिया इन एशिया वेयर एशिटिक लाइन अकर एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया इन एशिया बिकॉज ऑफ इट्स बायोडाइवर्सिटी ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है यूपीएससी 2019 में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसको जब फिनिश कर लेंगे पूरा नेशनल पार्क सारे नेशनल पार्क जब हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल में अगर फोर्टीनथ एशिएटिक लाइन सेंसस जो किया गया था टू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पे पॉपुलेशन पाया गया, गया एशिएटिक लाइन का वो है 523 और वहीं पे 2010 में ये था फोर और वो बढ़ करके अब 523 हो गया इसका इस पार्क से सात मेजर परेनियल रिवर फ्लो करती है उसमें है गिर हिरन रिवर सरस्वती रिवर दातारदी रिवर सिंगोड़ा रिवर मचुंदरी रिवर गोदावरी रिवर एंड रावल रिवर तो ये आपको गोदावरी से कन्फ्यूज नहीं होना है ये गोदावरी नहीं है ये घोदावडी है घोड़ावड़ी तो यहाँ से फ्लो करती है ये सब रिवर ये आपको याद रखना कमलेश्वर डैम है जो कि एक लार्ज वाटर बॉडी है रिजर्वायर है जो कि गिर फॉरेस्ट में ही है विच इज़ गुड फॉर मार्स क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है जो कि पार्क के अंदर ही है कमलेश्वर डैम तो ये आपको याद रखना कि कमलेश्वर डैम कहाँ पर है अब हम लोग जो भी इसका फोनासपे से है इंपॉर्टेंट फोनासपे उसके बारे में जानते हैं तो कौन कौन सा इसमें यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं तो इंटायर फॉरेस्ट एरिया जो अगर देखेंगे गिर नेशनल पार्क का वो है ड्राई और डिसीडियस फॉरेस्ट एरिया है जो कि मेनली बेस्ट हैबिटेट प्रोवाइड करता है किसके इसके एसीटिक लाइन को और लेपर्ड को तो न्यू स्टेटिक्स जो हम लोग अभी देखे थे कि जो एसेटिक लाइन का सेंसस किया था किया गया था टू में इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सौराष्ट्र रिजल में 523 ट्वेंटी थ्री एसिएटिक लाइन्स है और लगभग थ्री हंड्रेड से ज़्यादा लेपर्ड्स यहाँ हैं क्योंकि ये सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है हैबिटेट प्रोवाइड करता है ड्राइड और सीडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे इस एरिया का इसलिए ये सूटेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है लेपर्ड और एसीटिक लाइन को अब ये एसीटिक लाइन लेपर्ड के अलावा ये दोनों एनिमल के अलावा यहाँ पर दो डिफरेंट स्पेसि पाया जाता है डियर का पहला तो हो गया सांबर जिसको कि लार्जेस्ट इंडियन डियर माना जाता है लार्जेस्ट इंडियन डियर माना जाता है सांबर को फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन फॉर चौसिंगा पहला हो गया सांभर दूसरा हो गया चौसिंगा जो कि वर्ल्ड का ओनली फोर हॉर्न एंटीलॉफ है ये तो ये आपको याद रखना है कि दो डिफरेंट स्पेसीज जो है डियर का वो भी यहाँ पे पाया जाता है गिर नेशनल पार्क में पहला हो गया सांभर जो कि लार्जेस्ट इंडियन डियर माना जाता है और दूसरा जो है चौसिंगा जो कि वर्ल्ड का ओनली फोर हॉर्न एंटीलॉफ है और अदर एनिमल स्पेसीज हो गया वो हो गया जैकल हो गया स्ट्राइबड हाइना हो गया इंडियन फॉक्स हो गया इंडिया फॉक्स हो गया और सम ऑफ दी स्मॉल कार्निवर्स हो गया जो कि गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है और अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो एक बार देख लेते हैं पूरा कौन कौन सा फोन पाया जाता है लाइन में जो हो गया सेटिक लाइन हो गया लेपर्ड हो गया थाइना हो गया चीतल हो गया सांबर हो गया ब्लू बुल हो गया चौसिंगा हो गया चिंकारा हो गया वाइल्ड बोर्ड हो गया क्रोकोडाइल हो गया फिर हो गया लंगूर हो गया जैकल हो गया फॉक्स हो गया मंगूज हो गया फिर सीवेट्स हो गया ये सब सारे फोना यहाँ पे पाए जाते हैं ये गिर नेशनल पार्क को जो है एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क के द्वारा इसे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेर किया गया है क्योंकि यहाँ पर अदर बहुत सारे बर्ड स्पेसिज़ भी पाए जाते हैं अब फ्लोरा स्पेशज के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्लोरा स्पेशज़ कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं तो वेजिटेशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंसिस्ट ऑफ टिक्स हो गया टीक हो गया विथ एडमिक्चर ऑफ डेसीडियस ट्री हो गया जैसे कि हो गया साल हो गया ढक हो गया फिर थॉर्न फोरेस्ट ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं अगर आप मैप में अगर आप देखें तो ये आपका हो गया गिर नेशनल पार्क जो कि सौराष्ट्र रीजन में है गुजरात का और ये तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है जूनागढ़ गीर सोमनाथ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट तीन डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है कि थ्री डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है अब दूसरा नेशनल पार्क जो है गुजरात का वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि बेलवाडार है जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वहाँ पे ये सिचुएटेड है ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है लोकेटेड है एरिया इसका 34 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट फोना स्पेसीज देखेंगे तो वो है ब्लैक बक्स ओप्स हो गया मैक्यूंस बस्टर्ड हो गया हाइना हो गया लेसर फ्लर्कन विथ फॉक्सिस हो गया जैकल्स हो गया जंगल कैट्स हो गया एज दी मेन कार्निवर्स ये सब यहाँ पे मेन कार्निवर्स माना जाता है और भी अदर स्पेसीज हो गया जैसे वाइल्ड पिक्स हो गया हेयर हो गया रोडेंट हो गया जो कि मेनली सवाना टाइप ग्रासलैंड और थॉर्न सर्प्स में मेनली पाया जाता है वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे वाइल्ड स्पीस एयर रोडेंस ये सब जो कि टिपिकल मेनली ये सब सवाना टाइप ग्रास लैंड और थॉर्न सर्प्स में मेनली पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो इसे अब हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए ये गिर नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं इसके जस्ट ऊपर है बेलवादार ब्लैक बक नेशनल पार्क अब नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है गुजरात का वो है मरीन नेशनल पार्क तो मरीन नेशनल पार्क जो है गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है ऑन दी सदर्न शोर ऑफ़ गल्फ ऑफ कच्छ इन दी द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात यानी गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है जो कि गल्फ ऑफ कच्छ वाली रीजन में सिचुएटेड है ये नेशनल पार्क में लगभग 42 आइलैंड है जामनगर कोस्ट में आज इसमें से मोस्ट ऑफ़ दी जो आइलैंड है वो सराउंडेड है रीफ के द्वारा आज इसमें से 42 आइलैंड में से थर्टी आइलैंड जो है वो कोरल रीफ आइलैंड है यानी कोरल आइलैंड है इसमें से कुछ जो है बेस्ट नॉन आइलैंड है जो कि फेमस है इसको पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में कि वो है आपको याद रखना है कि कहाँ पे है तो पिरोतन हो गया करूभर हो गया नरारा हो गया और पोसित्रा आइलैंड ये आपको याद रखना है कि ये कोरल रीफ आइलैंड है और ये गुजरात में है इसका टोटल एरिया जो मरीन नेशनल पार्क का है वो है वन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास अब ये एक बार लोकेशन आप देख लीजिए ये मरीन नेशनल पार्क की लोकेशन है ये द्वारका डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में अब लास्ट जो नेशनल पार्क है गुजरात का वो है बंसडा या बंसडा नेशनल पार्क ये अंबिका रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है और वेस्टर्न घाट का जो सहयादरी वाली रेंज है वहाँ पर ये लोकेटेड है और इसका टोटल एरिया जो है 24 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फोना स्पेशज है वो है इंडियन लेपर्ड ढोले रिसस मकाक कॉमन पाम सीवर्ट हनुमान लंगोर स्मॉल इंडियन सीवर्ट फोर हॉर्न एंटीलैप वाइल्ड बोर्ड इंडियन पोर क्यूपिन बार्किंग डियर स्ट्राइप्ड हाइना जंगल कैट फ्लाइंग स्क्वरल पेंगोलिन एंड इंडियन जैंट स्क्वेरल फिर पाइथन और कुछ बेनवस स्नैक्स यहाँ पे पाए जाते हैं जैसे हो गया रसल सोभाई पर हो गया फिर कोबराज हो गया क्रेट्स हो गया ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं फिर फ्लोरा स्पेसिस में अगर आप देखेंगे तो टिक टिक हो गया सेडेड हो गया सदाद हो गया सॉरी खाखर हो गया खदाद हो गया कादाद हो गया हम्ब हो गया तिमरू हो गया कलाम हो गया बम्बू हो गया दुधकोद हो गया महुदो हो गया बेहुद बेहदा हो गया उमारो हो गया कुसुम हो गया तनाक हो गया आसान हो गया सिमलो हो गया अम्बाल अम्बला हो गया सीसम हो गया चौपादी हो गया फिर बुनाद्रो हो गया ये सब सारे फ्लोरा स्पेसिस यहाँ पे पाए जाते हैं अब इसको एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बंशदा नेशनल पार्क है तो इस तरह से जितने भी नेशनल पार्क थे बिहार यूपी वेस्ट बंगाल राजस्थान और गुजरात का उसके बारे में हम लोगों ने जाना अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है या तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी आपको आएगा प्लेलिस्ट मिल जाएगा नेशनल पार्क का वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको बेसिक इन्वायरमेंट कवर करना है तो वो भी उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वो भी नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या तो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा या तो आपको ये एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर और पी के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है तो आपको जहाँ से भी हो वहाँ से लिंक पे जा करके टेलीग्राम से वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं धन्यवाद